लगा हुआ इश्तेहार है, आप इस पे सरेंडर करा दीजिए, थाना करा दीजिए या कोर्ट में सरेंडर करा दीजिए मंडे को, नहीं तो घर पर हम लोग कुर्क कर देंगे। आखिरी बार आए, गरीब से मतलब नहीं है, गरीब से मतलब नहीं है, डॉक्टर से साहब के साथ मारपीट करने में नहीं सोचे, गरीब है कि अमीर है। रेफर अस्पताल लालगंज में चिकित्सक जयराम के साथ मारपीट मामले में 6 अभियुक्तों में सभी के अभी तक फरार रहने के कारण कोर्ट के आदेशानुसार सभी अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया, साथ ही डंका भी बजवाया गया है। लालगंज थाने से 4 पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों के साथ बाइक पेट्रोलिंग का काफिला डंका बजाते हुए निकला, इश्तेहार चिपकाने का काम किया। लालगंज पुलिस ने नगर क्षेत्र के अगरपुर से शुरुआत की और खंजहां चक तक यह अभियान चलाया, साथ ही कड़ी हिदायत भी दी गई। अभियुक्तों के परिवार वालों को जल्द से जल्द सरेंडर कर देने या अपने आपको कानून के हवाले कर देने की बात कही गई, नहीं तो आगे कुर्की जब्ती की प्रक्रिया की जाएगी। आज के कुर्की जब्ती अभियान में लालगंज सर्किल इंस्पेक्टर रोहन कुमार, थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी विप्लव कुमार, पीएसआई सुनील कुमार, एसआई एजाज आलम, एसआई गंगा कुमार शौरेन, एसआई दीपक कुमार के साथ सशस्त्र पुलिस बल एवं महिला बल भी शामिल थे। अगरपुर में इस बात का विरोध भी किया गया, लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने के कारण विरोधियों पर पुलिस हावी रही। मारपीट की घटना के बाद से सभी अभियुक्त संधीर शुक्ला खंजहा चक, धीरज कुमार अगरपुर, सत्य प्रकाश उर्फ राजा अगरपुर, रितेश कुमार यूसुफपुर एवं रॉबिन कुमार एतवारपुर, सभी के सभी आरोपी फरार हैं, जिसकी पुलिस घनता से छानबीन कर रही है।